जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाड़ी मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी कभार जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें ना खान पान का व्यवहार था न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। नमस्कार, मैं रुचि पांडे जुड़ गई हूँ आपके साथ पुस्तक समीक्षा की एक नई कहानी को लेकर। आज हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय साहित्यकार और कहानीकार प्रेमचंद की किताब पंच परमेश्वर की कहानी से आपका परिचय करवाएंगे। लोग जब समूह का नेतृत्व करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत लाभ व हानि से परे होकर निर्णय लेना चाहिए। फैसला बिना भेदभाव वाला और न्यायप्रिय होना चाहिए। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास पंच परमेश्वर में यही संदेश दिया है। अलग अलग राज्यों में मुंशी प्रेमचंद की इस कालजयी कहानी पंच परमेश्वर को नौटंकी के जरिए खूबसूरती से मंच पर प्रस्तुत भी किया जाता है। कहानी दो दोस्तों अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के इर्द गिर्द घूमती है। जुम्मन शेख अपनी खाला मौसी की जमीन हड़पने के लिए उसकी खूब सेवा करता है और जमीन अपने नाम करवाने के बाद उसकी सेवा करना छोड़ देता है। खाला पंचायत में जाती है जहां अलगू चौधरी को सरपंच चुन लिया जाता है। अलगू खाला मौसी के हक में फैसला सुना देता है। यहां से जुम्मन और अलगू में दुश्मनी पड़ जाती है। फिर कहानी एक दूसरा मोड़ लेती है। अलगू एक दुकानदार को अपना बैल बेचता है परंतु दुकानदार उसकी कीमत देने से इनकार कर देता है। अलगू पंचायत बुलाता है जहाँ जुम्मन को पंच चुना जाता है, पर यहाँ बैठकर जुम्मन को एहसास होता है कि यहाँ बैठकर झूठ का साथ नहीं दिया जा सकता और दोस्ती का पेड़ वहीं दोबारा से हरा भरा हो जाता है। ये कहानी दोस्ती को सही मायने में निभाने की प्रेरणा देती है। ये कहानी समाज को एक नई दिशा और दशा देती है कि कैसे धर्म का नाता ना होते हुए, खून का रिश्ता ना होते हुए भी यदि इंसान के विचार मिले तो दोस्ती से समाज को और भी बेहतर आसानी से किया जा सकता है। और यही बताता है प्रेमचंद का ये उपन्यास पंच परमेश्वर। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अन्य साहित्यिक जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।